गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम करेंगे डिफरेंशिएट करना वेरिएबल रिस्पांस वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं. मींस हमारा पर्पस क्या है, x रिस्पांस x का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आज. ठीक है, ये वाला हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, लेट कर लेते हैं x रिस्पांस x की वैल्यू, हम लेट कर ले y है अपनी मर्जी से. तो अपना पर्पस क्या है, डी वाई बाय डी एक्स निकाल देंगे हम लोग. ये हमारा पर्पस है यहाँ पे फाइंड आउट करना, डी वाई बाय डी एक्स हम लोग निकाल लेंगे. ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लॉग ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई लॉग इनटू एक्स रेस्ट पा एक्स. अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज की थी, लॉग वाई एज इट इज, लॉग ए रेस्ट पर अगर बी हो, प्रॉपर्टी की थी बी आगे आ जाएगा, लॉग ए तो एक्स आगे आ जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स. तब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, लॉग वाई का क्या आ जाएगा, वन बाय वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. सिमिलरली एक्स इंटू लॉग एक्स, यू इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का आ जाएगा, वन बाय एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना आ जाएगा, एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्या जाएगा, वन. एक्स एक्स कैंसल हो गया, वन प्लस लॉग एक्स, वन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स. ये वाई जो होगा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो वाई की वैल्यू पुट कर दोगे एक्स रेस पर एक्स, तो ये आपका डी वाई बाय डी एक्स आ गया. ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लॉग ले लें ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 1 बाय x रेस्ट पा x. बेटा जो x होएगा वो क्या होगा, आगे आ जाएगा, लिख दूं मैं आगे लाके. अच्छा, यहां पे आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्टिवली x किया, तो 1 बाय y डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ जाएगा, dy वाई बाय डी एक्स. यहां पर यू इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है, x एज इट इज लॉग 1 बाय एक्स का क्या आ जाएगा, 1 बाय एंगल, मतलब 1 बाय एक्स आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स का प्लस लॉग ऑफ 1 बाय एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, x का क्या हो जाएगा, 1. ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, x इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 बाय 1 बाय 2, इसको क्या होता है 2 ऊपर आ जाता है, तो सिमिलरली ये x ऊपर आ जाएगा. 1 बाय x का डेरिवेटिव निकाल लो, यहां पे क्या आ जाए, x रेस पर 1 बाय x को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 1. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पावर, आगे पावर में से वन माइनस किया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर थी, वन नहीं आ गया, तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ वन बाय एक्स. ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस लॉग ऑफ 1 बाय एक्स. ठीक है, ये क्या था, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स. तो यहां पे डी वाई बाय डी एक्स कितना आ जाएगा, ऊपर माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ, फार्मूला लगा दें यहां पे u बाय v फार्मूला, क्या किया था, a बाय v, तो लॉग a माइनस लॉग b, लॉग वन माइनस लॉग एक्स. ठीक है, ये जो वाई था ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ वन ऑलवेज क्या होता है, जीरो, याद रखो, माइनस वन माइनस लॉग एक्स, और वाई क्या है आपके पास, ये रहा वन बाय एक्स रेस्ट पर एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया. थिंक वेरी वेरी सिंपल.
अगर आपके पास क्वेश्चन होता बेटा इस टाइप का, y इज इक्वल्स टू, देखो अभी तक क्या था, y इज इक्वल्स टू x रेस्ट पर x ही था, वन वेरिएबल था, यहां पे भी एक ही टर्म थी सिर्फ ये वाली, बट इस क्वेश्चन में क्या है टू टर्म्स आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, कैसे सॉल्व करें? देखो dy by dx डेरिवेटिव ले लिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्टिवली x लिख लोगे, तो इसमें स्टेप कटिंग नहीं कर रहे, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अपनी मर्जी से u पुट कर ले, लेट u इज इक्वल्स टू x रेस्ट पर x, मीन्स du बाय dx की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। सिमिलरली एक हम ले लेंगे v इज इक्वल्स टू 1 बाय x रेस्ट पर x, ठीक है। अब du बाय dx कितना आ जाएगा, ये हम निकाल चुके हैं, देखो y इज इक्वल टू x रेस्ट पर x, मतलब y की जगह पे हम लोग u ले लेंगे, सारा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा और y की जगह पे हमारा u आ जाएगा। du बाय dx कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये रहा du, इसकी जगह पे u पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x रेस्ट पर x, x रेस्ट पर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। सिमिलरली dy by dx इधर से हमारा पास, हमने इसको v पुट किया, ये क्वेश्चन देखो सेम ही है, इसको मतलब v पुट कर दिया, तो मींस लास्ट में dv इसको भी v पुट आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा dv by dx कितना आ जाएगा 1 by x by x इंटू माइनस वन माइनस लोग एक्स, ठीक है। ये आप निकाल लोगे तो ये वैल्यू लाके वन में पुट कर दोगे, यही वाला मेथड आप अडॉप्ट करोगे, पुट इन वन, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू यहां पे लाके पुट कर दें, x रेस्ट पर x 1 प्लस log x, और dv by dx की वैल्यू इधर लाके पुट कर दें, प्लस 1 by x रेस्ट पर x माइनस 1 माइनस log x, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, वेरी वेरी सिंपल। और क्वेश्चन लिख के चले या हो जाएंगे, पोज कर लो बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, ये है ई पार्ट, y इज इक्वल्स टू लेट कर लिया 1 प्लस एक्स रेस्ट पार 2x, तो ऑन लॉग ले लेंगे सबसे पहले लॉग y, क्योंकि अपना पर्पस क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे है ना, बट इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको सही तो करें, पावर को तो नीचे लिख के आए, लॉग वाई और ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, लॉग बचेगा 1 प्लस एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्टिवली एक्स, तो 1 बाय वाई और एंगल का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x एज इट इज, लोग का क्या आ गया 1 बाय एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस लोग 1 प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका 2x का, कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ओके 1 बाय वाई डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x बाय 1 प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 तो 1 ही आ गया प्लस 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स
हो गया क्वेश्चन, वाई को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, टू एक्स बाय वन प्लस एक्स प्लस टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, ठीक है। और y की वैल्यू बेटा पुट कर दोगे, y की वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस एक्स रेस्ट पार 2x और ये वाला एज इट इज लिख दोगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा dy बाय dx। बेटा ये सारी कंप्लीट करके देख लो, कोई भी डाउट आते हैं देन व्हाट्सएप मी। ओके बाय।